गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 186, एक्टिविटी 11.4। टू शो दैट साउंड रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल, ये हम शो करेंगे कि साउंड को ट्रेवल करने की ये मीडियम की नीड होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। टेक अ बेल जार एंड प्लेस अ पॉकेट वीडियो गेम और अ रेडियो इन इट, स्विच ऑन द रेडियो, पंप आउट द एयर फ्रॉम द बेल जार यूजिंग अ वैक्यूम पंप। As more and more air is removed from the jar, the sound of the radio get feebler and finally become very faint. The sound cannot travel through vacuum. देखिए, हम एक बेल जार लेंगे, बेल जार ऐसे एक वीकर होता है, बेल जार लेंगे और उसके पॉकेट में प्लेस, बेल जार में हम एक पॉकेट वीडियो गेम या फिर रेडियो उसके अंदर रख देंगे। बेल जार के अंदर एक जार होता है, बेल जार, तो उसके अंदर हम क्या रख देंगे, पॉकेट वीडियो गेम और रेडियो रख, या फिर रेडियो रख देंगे स्विच ऑन करके। अब हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप से उस बेल जार से सारी एयर निकाल देंगे। जब हम उसकी सारी एयर निकाल देंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो रेडियो से जो आवाज़ आ रही थी या वीडियो गेम से जो आवाज़ आ रही थी, वो पहले तो फेबलर होती है, मतलब वाइब्रेट करके धीरे धीरे कम होती जाएगी, और उसके बाद बिल्कुल धीरे हो जाएगी और आना बंद हो जाएगी। तो इससे हमको पता चल रहा है, क्योंकि हमने वैक्यूम कर दिया, उसमें से एयर सारी निकाल दी, तो साउंड ट्रेवल ही नहीं हो पाया। तो इस एक्टिविटी से प्रूफ होता है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। अब हमारी सेकेंड एक्टिविटी है, एक्टिविटी 11.6, टू शो दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड। हम ये शो करेंगे कि साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड में। प्लेस वन ऑफ योर ईयर ऑन द टेबल एंड क्लोज द अदर ईयर विथ योर हैंड। Ask your friend to gently tap on the table. Are you able to listen to the sound? You will find that sound can travel through metal or wood. ये देखिए, हम ऐसे टेबल पे अपने ईयर को प्लेस कर देंगे और दूसरा ईयर हम, देखिए इधर से हम क्लोज कर देंगे। हमने एक ईयर को यहाँ पर रखा और दूसरे ईयर को हमने क्लोज कर दिया। अपने फ्रेंड से कहेंगे कि यहाँ पर टेबल को टैप करे। जब वो टेबल को टैप करेगा तो हमको इधर से तो नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन इस ईयर से, इस टेबल पे हमने कान रखा हुआ है, ईयर रखा हुआ है, तो हमको यहाँ पर वाइब्रेशन समझ में आएगा और हमको साउंड आएगा इसके टैप का। ये टैप करेगा तो हमको इसके टैप की आवाज़ यहाँ पर सुनाई देगी। तो ये प्रूफ करता है कि इस मेटल है, ये मेटल या सॉलिड, ये हमारा वुड है, तो वुड या मेटल पे जो हमारा साउंड होता है ट्रेवल कर सकता है। ऐसे ही ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं, ट्रेन की जो लाइन होती है जिससे ट्रेन चलती है, उसमें आप अगर अपना कान रख के देखिए तो आपको ट्रेन की आवाज़ उसमें समझ में आएगी, अगर ट्रेन पास में कहीं होगी तो। एक्टिविटी 11.6, टू शो दैट स्पीड ऑफ साउंड रिड्यूसेस इन लिक्विड। हम एक्टिविटी 11.6 में प्रूफ करेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड लिक्विड में कम होती है। टेक टू स्टोन एंड स्ट्राइक देम टुगेदर, लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस। नाउ टेक द स्टोन अंडर वाटर एंड स्ट्राइक देम टुगेदर। यू विल फाइंड दैट द साउंड प्रोड्यूस बाय द स्टोन अंडर वाटर इज फेबल एंड नॉट एज क्लियर। हम इसके लिए दो स्टोन लेंगे और उन दोनों को स्ट्राइक करेंगे, आपस में टकरा देंगे, तो उससे साउंड निकलेगा, उस साउंड को हम सुनेंगे। उसके बाद फिर दो स्टोन लेंगे और अंडर वाटर ले जाके उसको स्ट्राइक कराएंगे, फिर आवाज़ आएगी। लेकिन हम देखेंगे, जब हमने अंडर वाटर में टू स्टोन को स्ट्राइक कराया तो आवाज़ बहुत बहुत धीरे थी, बहुत फेबल थी, बहुत धीरे आवाज़ आ रही थी, ठीक, या फिर बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं थी। जबकि हमने जब लैंड में कराया था स्ट्राइक टू स्टोन को, तो उससे ज़्यादा तेज आवाज आई थी। तो यह प्रूफ करता है कि वाटर में साउंड की स्पीड रिड्यूस हो जाती है। एक्टिविटी 11.7, टू शो दैट साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू सॉलिड देन थ्रू गैसेस। हम शो करेंगे इस एक्टिविटी में कि साउंड ट्रेवल फास्ट करता है सॉलिड में देन गैस, मतलब सॉलिड में ज़्यादा तेज से ट्रेवल करता है, गैस में उतनी तेज़ी से ट्रेवल नहीं करता। टेक टू एम्प्टी जार और आइसक्रीम कप एंड कनेक्ट देम यूजिंग अ लॉन्ग थ्रेड।
Let your friend speak into one cup. Place the other cup near your ear. You may not be able to hear him clearly. Now replace the thread with a hollow tube. Speak to one another again. You will find that you can hear each other more clearly now. They show that travel faster through solid than it does not through air. हमने क्या लिया? दो एम्प्टी जार या आइसक्रीम के कप लिए और उन दोनों को एक लॉन्ग थ्रेड से कनेक्ट कर दिया. ये देखिए टू कप्स थे, इनको एक थ्रेड से हमने कर दिया. अब अपने फ्रेंड से बोलने को कहेंगे कि उसने एक कप में बोले, तो जब वो एक कप में बोलेगा तो हमको दूसरे कप में आवाज़ आएगी. ये सुनेंगे हम इसको, लेकिन उतना क्लियर हमको सुनाई नहीं देगा. अब इस थ्रेड की जगह हम क्या लगा दें? होलो ट्यूब लगा दें. अब उससे बोले कि अब बोलो. जब वो बोलेगा और हमको क्लियरली सुनाई देगा. अब हम देखेंगे कि जब साउंड, इससे प्रूफ होता है कि जो साउंड होता है वो सॉलिड में, साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू सॉलिड, सॉलिड में फास्ट ट्रेवल करता है जबकि एयर में धीरे. अब हम प्रोसेस देखेंगे कि हम साउंड को कैसे हियर करते हैं. वी हियर साउंड थ्रू अवर ईयर. हम अपने कान से, ईयर से साउंड को हियर करते हैं, सुनते हैं. वी आर एबल टू हियर साउंड थ्रू अवर ईयर. द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड पिन्ना. पिन्ना कलेक्ट द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड देन इट रीचेज द ईयर ड्रम. वेन द साउंड वेव स्ट्राइक द ईयर ड्रम इट मूव्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड टू क्रिएट वाइब्रेशन. These vibrations are then picked up by special type of cell in the inner ear. From the inner ear, the vibrations are sent to the brain in the form of signal. The brain perceives these oscillations as sound. देखिए हम ear से sound को hear करते हैं, तो जो हमारा ear का outer part, ये क्या कहलाता है? हमारा pinna. ठीक है, इसको हम कहते हैं पिन्ना. पिन्ना क्या करता है? हमारे साउंड को कलेक्ट करता है. पूरे चारों तरफ से जितना भी साउंड आ रहा है तो पिन्ना हमारा ये कलेक्ट कर लेगा, हमारा आउटर ईयर. उसके बाद ये अंदर जाएगा ईयर कैनाल के थ्रू. ये जब ये अंदर जाएगा हमारा साउंड, और इसके बाद ये साउंड अंदर जाके हमारे ईयर ड्रम, ये हमारा ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम में जाके स्ट्राइक करेगा. तो ये हमारा ईयर ड्रम क्या होगा? वाइब्रेट होगा. ठीक है, ऐसे वाइब्रेट होगा. जब ये वाइब्रेट होगा तो उसके बाद इस यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं इनर ईयर में. ये यहाँ पर ये वाइब्रेट होगा और यहाँ पर हमारी स्पेशल टाइप की सेल होती है इनर ईयर में. ये इनर ईयर में ये वाइब्रेशन, जब ये वाइब्रेशन यहाँ आएगा और इनर ईयर क्या करेगी? इसको सिग्नल के थ्रू ब्रेन तक पहुँचा देगी. ये देखिए ये नर्व के थ्रू, ये सिग्नल के थ्रू चला जाएगा. ये कॉकलिया, ये हमारा सुनने का ऑर्गन होता है, ये इनर ईयर. यहाँ से ये नर्व क्या ले जाती है? ब्रेन तक सिग्नल ले जाती है. तो यहाँ से साउंड आया, ईयर ड्रम को वाइब्रेट किया, फिर ये जाके यहाँ से इनर ईयर तक आया. इनर ईयर में स्पेशल टाइप की सेल होती है यहाँ पे. उसके बाद ये नर्व क्या हो गई? अब ये जो स्पेशल टाइप की इनर ईयर में जो सेल्स होती हैं वो वाइब्रेशन को मोर कर देती हैं, अप कर देती हैं. ठीक है, और इस वाइब्रेशन को जब अप कर देती हैं तो यहाँ के थ्रू फिर ये ऑडिटरी नर्व से ब्रेन तक ये सिग्नल. तो ये हमारे हियरिंग का पूरा प्रोसेस है. यहाँ से आया साउंड, ईयर ड्रम को वाइब्रेट किया, यहाँ पहुँचा. इनर ईयर में स्पेशल सेल्स होती हैं जो इस वाइब्रेशन को अप कर देती हैं, फिर यहाँ से नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल चला जाता है.